एक और जर्नी हमारी शुरू हो गई है। इधर दूल्हे राजा से मिले, हमारे 10 साल बाद मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। तू वैसा का वैसा ही लग रहा है, तू वैसे चेंज ही नहीं होने को, देख लेना चेंज हो गया, शादी होगी ना तेरी। हाँ तेरी होने वाली है, इसकी शादी होने वाली है, चेंज हो सकता है। तो भाई सीन क्या है, मैं कर रहा हूँ सामान पैक, इसे घर के बाहर खड़े हैं, ऑलरेडी लेट हो गए, यहाँ से निकलना है हमें शिमला। और हम वहाँ जाके शॉर्ट लेंगे स्टिल। तू बोल रहा है, हमें थोड़े मोमेंट। हाँ तुम ऐसे करना ना, 2-3 कैमरे। अबे भाई हमारे इक्विपमेंट ही तू देख लियो, जब वो कैमरे के इक्विपमेंट आएंगे ना तो तेरे को समझ आएगा तो अब परमिशन की चाहिए। अच्छा, अबे कैमरे से नहीं होता, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, लगती है बन के भैया हमारे पास पूरी फिल्म मेकिंग किट बन जाती है। समझ नहीं आ रहा मैं इसी ऑन करूं, मैं इसी ऑन ना करूं। अच्छा तो तूने क्या डांस प्रिपेयर क्या किया गाने के लिए? डांस तू क्या था, तूने प्रिपेयर करा है कुछ डांस? थोड़ी डांस मतलब क्या मूव्स कर रहे हैं कुछ तो मुझे बता। तो वो जो शाहरुख कर रहा है उससे उसी से रिलेटेड है। शाहरुख कर रहा है, तू किसमें कह रहा है? गाने में ही, मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूं। हां तो ये जो है इसमें ऐसे ही करना है हमने कुछ। कुछ तो सोचा होगा तूने, वायलिन वगैरह बजा रहा है तू, तो वो ड्रेसेस कौन सी है? एक में ही अपन को करना है। अच्छा एक में करना है, तो फिर टेंशन ही नहीं, देख ऐसे निपटा दूंगा मैं तेरा काम। जैकेट एक दो बार, एक बार ये पहन ली, एक बार वो पहन ली। अब तुम उसके पीछे जैकेट लेता रहेगा? अरे तो इतना थोड़ी ना है। क्या हो गया, एक सेकंड लगेगी भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है इस पूरे हाईवे पे, जो चंडीगढ़ और शिमला का हाईवे है, और प्लस कोई विजिट वगैरह हुई है ऐसा लगा, सारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। सेकंड गर्मी बहुत है फेब में, आज है फेब 11 और गर्मी है गजब भाई। कितने डिग्री है, कहाँ दिख रहा है इसमें लिखा ना, 26 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त, और वो कह रहे हैं वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। मैं यहाँ से कैसे बर्फ़ पड़ रही है भाई, जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे ठंडा होता जाएगा। लेट्स सी, हो जाए तो बढ़िया, इतनी गंदी गर्मी तो झेली नहीं जा रही उससे यार। देख रहे हो हम शिमला जा रहे हैं, स्वेप का टाइम है और हम सिर्फ एक हाफ स्लीव टी शर्ट में बैठे हुए हैं। एसी भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, और लो और क्या लोगे आप। ठंड लग रही है बहुत तेज, हम हाफ पे पहुंच, बड़ी तो लगी मेरे को, हाफ पे पहुंच चुके हैं। अरे वो बस कहाँ पे है अभी हम, ये कौन सी जगह होती है? अम्बाला से पहले कोई जगह है, हम रुके हैं डिनर के लिए, और बड़ी सुबह जब निकले थे ना दिल्ली से, बहुत तेज़ गर्मी थी, और जैसे जैसे चंडीगढ़ क्रॉस आता जा रहा, मतलब चंडीगढ़ नियर आता जा रहा है ना, पास आता जा रहा है, और शिमला भी पास आता जा रहा है, तो ठंड बढ़ती जा रही है, तो जैकेट्स आर ऑन, ठंड इज़ ऑन। अब हम डिनर करेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड फिर हम निकल लेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। ये वन एंड ओनली फाइनल स्टॉप होने वाला है। वही पहुंच गए हम तो शिमला। अब सीन ये है कि मेरे से इतना तगड़ा स्लोप आया कि मुझसे गाड़ी इतनी तगड़ी तरह चढ़ी नहीं, और कुछ ज़्यादा ही ऊपर था ये होटल जो हमने लिया, जो हमने इनिशियली होटल लिया था ना वो तो ऐसा हुआ कि भाई बहुत दूर था तो हमने उसको कैंसिल करा दिया। अब हमने दूसरा होटल लिया, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो गाड़ी दी है भैया को पार्किंग करने के लिए। ये भाई नाच का होटल, व्यू दिखा भैया क्या व्यू यहाँ से, देखो पूरा मेन सिटी है व्यू में तो सर, ऊपर छत के ऊपर से और बेहतर दिखेगा। वैसे व्यू का हमने कुछ करना तो है नहीं, हमने व्यू से पहले कट लेना। नाम क्या है होटल का? सनराइज एक्विला। ओके, बड़ा यूनिक सा नाम है यार। ठीक है भाई आ जाए, भैया तो बता दो, बात करते हैं, भैया कह रहे हैं मुझसे बात करना। ठीक है करो भाई, सामान अनपैक करो, सोने की तैयारी करो, 2 डबल बेड हैं इस रूम में, एंड रेस्ट टाइम शुरू होता है यहाँ से। यहाँ हो रहा है 0 डिग्री अभी, कल 26 जिस टेम्परेचर से हम आए हुए तो 26 डिग्री, हम तो एसी चला के आ रहे हैं और यहाँ 0 डिग्री हो गया। तो मैं जा रहा हूँ सोने, बज गए 1:30 सुबह, 7 बजे तक उठेंगे, 8 बजे शूट शुरू करेंगे। ये तो एक क्राइस्ट चर्च, 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। गुड मॉर्निंग,
और नज़ारे बहुत ही अमेजिंग है, ठंड बड़ी ज़बरदस्त है। मैं मतलब गलत जैकेट लेके आया, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई नज़ारे ज़बरदस्त है। निखिल की जैकेट लेने वाला हूँ कुछ टाइम में, जब भी अपने शूट के लिए रेडी हो जाएगा ये, इसे कंबल में घुस जाऊंगा मैं। भैया ठंड बहुत तेज़ है, मैं निखिल की जैकेट बोरो करके बैठा हूँ। तो और सिचुएशन अभी की ये है कि ब्राइड को आने में लग गया टाइम, तो जो शूट है वो 3 घंटे डिले है। हमने 7 बजे का प्लान किया था, 7 बजे हो नहीं पाया क्योंकि भाई को पता लगा यहाँ बहुत तेज ठंड है और -1 degree टेम्परेचर है, तो कहते हैं वापस होने चलते हैं। 8:30 उठेंगे, रेडी होंगे, फिर चलेंगे। और ब्राइड है वो भी अभी आई है, तो दोनों पहुंच गए हैं छत पे, लेके गया है विवेक, लोकेशन देख रहा है, मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से। और अब हम फाइनली फर्स्ट शॉट लेने वाले हैं। एक नया टास्क, सबसे टफ जो है यहाँ से गाड़ी निकालना। पता नहीं ये लगाई तो मैंने नहीं है, होटल वाले भैया ने लगाई है। यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, जाना जाना है संजौली चौक डालना है। हमें जाना कहाँ है? संजौली चौक। संजौली क्या है? कॉलेज उधर ही है वो चीज। चलो भैया पहाड़ पे गाड़ी चलाएं। तेरी बैग और ले रहा है अभी तो, रुक जा रुक जा। जा क्या रहा है ये भाई? तेरी दिल्ली की कार है, तेरे को थोड़ी ना वो नीचे ऊपर। हाँ नीचे ऊपर सीधा सीधा यहाँ ना सीधा सीधा। वाह नीचे नीचे जा रहा है, ऊपर है नीचे नीचे। यार संजौली का है ऊपर, संजौली संजौली ऊपर है। वो इतनी ज्यादा स्टीप थी ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था वो। अब लेट्स सी जो भी है वो करना तो है। फिर एक दारू पिए हुए इंसान है। हाँ काश मैंने रिकॉर्ड किया होता। हाँ उस टाइम लगा रहना चाहिए था। हाँ अरे धूप में भी धुआं निकल रहा है मुंह से, हद हो गई। फर्स्ट सीक्वेंस शूट करने जा रहे हैं, फाइनली लोकेशन हमने फाइनलाइज कर लिया है। इनको दिखाओ ना, टाइम से वेट कर रही हैं वो तब से। हैं कोमल फोन फोन कहाँ है आपका? ये उठा लो जिसका भी फोन है, ये उठा लो। ठीक है फोन कर रहे हो, आ नहीं रहा, टाइम देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से फिर निखिल वहाँ से कूद गया इधर इधर, ठीक है। स्लिपरी भी होता है। मैं आपको आराम से। हाँ मैंने लगाया 55mm लेंस, मैंने लिया सागर का लेंस, जो मेरे को 6400 पे लगा के ना मैं सारे क्लोजअप्स कैप्चर करने वाला हूँ। मुझे लग रहा हो ना हल्का सा ओवर हो रहा है, ऑफ थीम जा रहा है तो बता दियो। हाँ ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल सही है। एक्टर ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है, ठीक है। शॉट बहुत अच्छा आया, अब नेक्स्ट शॉट की तरफ हम मूव करते हैं। अरे मैं लेट नहीं हुआ यार, बिल्कुल लेट नहीं हुआ। 3, 2, 1, जब टीम वर्क होता है ना तो काम कितना इजी हो जाता है। जैसे आज विवेक वो सिर्फ कैंडिडेट पे ध्यान दे रहा है, सॉरी मेरे ब्लॉग भी चल रहे हैं बीच में। विवेक दे रहा है सिर्फ कैंडिडेट पे ध्यान। राजू के पास मेरा कैमरा है, हेरा थैंक यू राजू मेरा कैमरा पकड़ने के लिए। जितने भी अगर पीछे देख रहे हो मैं शॉट ले रहा हूँ और कैमरा चलता जा रहा है, तो ये राजू कर रहा है। और सिनेमैट पे है हमारा सागर जो इस वक्त कैमरा सेट कर रहा है। मैं ले रहा हूँ सिर्फ एंड सिर्फ क्लोजअप शॉट्स वीडियो में, नो फोटोग्राफ्स टुडे। एंड हम जा रहे हैं अपनी थर्ड लोकेशन की तरफ। जो गाना चूज़ किया हमने वो आपको कल बताया था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं जो है शाहरुख खान और जूही चावला पे फिल्म्ड, और ये बहुत अच्छा जा रहा है अब तक। नहीं 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 शॉट देखना, अगर शॉट है नहीं वहाँ पे देखना, ये क्लोजअप ही रहेगा भैया, ज़्यादा वाइड नहीं रहेगा। तुमको बुलाऊं पल के बिछाऊं, समझे? पता भी लग रहा है खींच रहे हो लेकिन आप नीचे नहीं हो, वो हम कैमरे अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है मुझे समझे भाई, ठीक है। और दूसरा कुछ टेक्निकल चैलेंज तो नहीं है? हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है भाई। एक्टर्स को एक्टिंग कराना आसान काम नहीं है। तुम्हें कैसा लग रहा है एक्टर्स? वेरी सिंपल दिख रहा है ब्लॉग में, वो भी शूट हो रहा है। तेरे 10,000 क्वेश्चंस जो हैं ऑल फेल अटेम्प्ट्स भी शूट हो रहे हैं। तो भाई मैं अटेम्प्ट में वापस जाता हूँ। अब हमें सीक्वेंस लेना है जिसमें कोमल जा रही है ऊपर एंड निखिल पीछे दांत चबा रहा है अपने। करियो करियो करियो। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा टी हाउस के ऊपर। तू पहले चल जा पूरा।
वही तो मैं कह रहा हूँ आपका रिएक्शन आना है अगर मैं सरप्राइज रिएक्शन वाला गुस्से वाला नहीं घूमना सरप्राइज रिएक्शन है ये वो नहीं है गुस्से वाला रिएक्शन नहीं है तो स्पार्कल ले ले पहले तू आई थिंक इसमें एक ही टेक हो ना हाँ तो पहले ये कर लेते हैं बाद में वो वाला कर लेते हैं सागर कौन सा जमीन को आसमां बनाऊं जो है जो पैरा उसको बाद में कर लेते हैं जो कि इंडियन अलग अलग लगने ना ठीक क्या बोलते हो कैसे इकट्ठे करें अब वो ऊपर आ गई है ये भी ऊपर आ चुका है ठीक है हमें ये दिखाना है कैमरे से अब कैमरे से या तो तुम यहाँ से पैन मूवमेंट ले लो ये आ रहा है लेकिन उसमें इसका फेस नहीं आएगा यहाँ खड़े है ना वो एक बार करना पोजीशन बनाना है फॉर एग्जांपल लेकिन यहाँ से आ रहा है ओके कोमल ऑलरेडी वहाँ पे है जमी को आसमा बनाओ ठीक है ये जो गाना गा रहा है ठीक है तो ये इसका फेस कैसे लेंगे ठीक है निखिल भाई करके दिखाइए बस क्या करूँ कोमल यहाँ खड़ी है पीछे से आ रहा तू हाथ में रख उसको हाथ में रख अभी डालियो मजा में देता हूँ ये ट्रायल शॉट है यहाँ से सितारों से सजाओ अगर तुम तो आगे रखेंगे क्योंकि इसमें एंडिंग सिर्फ निखिल पे होनी है वो चली जाएगी मैं कोई ऐसा गीत गाऊं आरजू गाऊं वो चली जाएगी अगर तुम कहो तो ये दो बार कर चुका है इनको ये आया कहां है अभी भाई यहां से हम ले रहे हैं इनके फिलर शॉट्स जहां इनको पता नहीं है कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा को मैंने ऑन कर दिया है सागर की तरफ दिखाइए दो लोकेशन जो हमने चूज़ करी थी जो डिस्कवर करी थी चूज़ से कहूँगा उस पर शूट डन है नेक्स्ट सीक्वेंस सॉन्ग का हम जा रहे हैं ऊपर शूट करने और ये बड़ा इंक्लाइन है यार सारे सामान उठा के थक रहे हैं देखो क्या क्या होता है फिल्म मेकर्स की लाइफ में सारा सामान उठा के भागते रहो यहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ लंका लग जाती है तो भाई नेक्स्ट सीक्वेंस ये है कि मैं एक बन रहा हूँ पेंटर ठीक है अब उसके बाद हुआ गया निखिल आएगा हा? लेकिन भैया को थोड़ा निखिल आएगा और वो पेंटिंग बनाने की कोशिश करेगा उससे वाहियात बनेगी मेरे पास ऑलरेडी अच्छी पेंटिंग बनी हुई होगी और मैं इसको पकड़ा तो दूंगा ऐसा कुछ सीक्वेंस हम इसकी प्री वेडिंग में प्लान कर रहे हैं तो मैं बन रहा हूँ पेंटर करते हुए दिखा देना देख सागर यहाँ पे एक बार रिहर्स कर लेते हैं कैसे अब मैं यहाँ पे पेंटिंग बना रहा हूँ ठीक है मेरे साथ में कोई है बंदा बैठा फॉर एग्जांपल राजू बैठा नहीं है जैसे जतिन भाई खड़े हुए हैं मतलब पीठ वाला शॉट लेना है हां जतिन भाई का पीठ का शॉट है और तू यूं करता रहा ठीक है सागर तुम्हें वहां से शॉट लेना होगा फिर ठीक है जहां वो खड़ा है ना विवेक कि पीठ वाला शॉट आ रहा है एक पहले यहां से लेते हैं मास्टर शॉट फिर उसके बाद कटिंग ले लेंगे लेफ्ट राइट भाई अभी हम बड़ी दुविधा में आ गए थे एक सीक्वेंस है जिसके अंदर आई थिंक 2 से 2.5 मिनट सॉरी जिसमें 1 से 1.5 मिनट की ट्यूनिंग है जैसे पुराने गाने में होता नहीं था ट्यूनिंग ज़्यादा चलती थी अब सीन क्या हो रहा है हम बड़े कंफ्यूज हो गए कि हम उसको फिल्म कैसे करें तो एक आइडिया आया कि निखिल को फ्लूट बजवाएंगे और जो उसकी फियांसे है वो बीच में बैठी होगी वो हंस रही होगी उस पर ये सुनने में बड़ा चीज़ी सा लगेगा लेकिन लेट्स सी कैसा फिल्म होता है ये भाई सीक्वेंस स्टार्ट करवाने जा रहे हैं हम छोटे 10 मिनट जरूरत नहीं है फोटोज की यहाँ पे स्टार्ट करें भाई चलो बजाओ फ्लूट बजानी है ना कितनी बार बताऊँ शॉट समझा के आऊँ लेट्स सी कितना अच्छा परफॉर्म करता है हमारा हीरो मेरी बारी है शॉट लेने की ये एक्टर्स का एक्टिंग का लेवल देखो नीचे गिर गया नहीं तो मैं एडिटिंग में बैठूंगा ना जो नहीं होगा वो हटवाऊंगा मैं चल 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 बस खत्म चल बजा बस तो रही नहीं है देख के बजा रहे आप तो कौन सी बज रही थी भाई हमें पार्शली डेड सबको लगी है भूख एनर्जी लेवल हो गया ऑलमोस्ट 10% जा रहे हैं हम खाना खाने उसके बाद हम रिज्यूम करेंगे आई थिंक हाफ जो सॉन्ग सीक्वेंस था ना वो हमने कंप्लीट कर दिया है हाफ बचा है वो हम करेंगे शिमला मॉल रोड और एक और कोई जगह है वहाँ पे अब हम देखेंगे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम सारे मिलके खाना खाएंगे एंड फिर रिज्यूम करेंगे हीरो कैसी एनर्जी हाउ इज़ द जोश हाय सर घंटा हाय सर तुमने तो पूरी रात भी खाया है हाँ इसने तो यार 2 दिन से कुछ खाया नहीं है 2 दिन 6 दिन से कुछ नहीं खाया ये सिर्फ लिक्विड डाइट पे ही है बस कैसे सर्वाइव कर रहे हो तुम देख ले तेरे साथ पूरा शूट किया सीक्वेंस हाँ
भाई हमारी लंका लगी पड़ी है। फाइनली इट्स लंच टाइम। कल शाम को जब पराठे खाए थे उसके बाद कुछ खाए नहीं है और लगातार उसके बाद काम चलता जा रहा है। फूड टाइम ओवर। अब सनसेट हो रहा है, ऑलमोस्ट सनसेट। ढाई मिनट का सीक्वेंस गाने का अभी भी बचा है, होपफुली हम कंप्लीट कर पाए उसे। मैं करना ही है और कोई चांस तो है नहीं। लेट्स सी, अब थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर होने वाला है हमारे लिए। सागर कुछ दिमाग में है कैसे शॉट कराएंगे, क्या कराएंगे? एक तो देखो अभी सनसेट होने वाला है नीचे। हाँ तो हम पहुँचेंगे ब्लू आर पे। हाँ तो ब्लू आर पे मैं सोच रहा हूँ चर्च के आगे, चर्च के आगे लाइट थोड़ा सा इनको फिल लाइट देंगे तो बैकग्राउंड में स्काई ब्लू होगा और ऑरेंज और ब्लू का मिक्सचर करके लाइट है। हम 20-20 रुपये की पर्ची करती है लिफ्ट की, अगर उनको पार्क करनी है गाड़ी उसके बाद आपको माल रोड पे पड़ जाना है तो बहुत इजी हो जाता है। क्यों करते प्रेस? यहाँ तो है ही। वन पर प्रेस करो। वन कहाँ है? वन ये तो सही है जकार्ता। क्या ये स्टेटस डाल रहा है जकार्ता में? जकार्ता में तू? शिमला मॉल रोड, मुझे नहीं पता शिमला मॉल रोड लोगों को क्या पता, तू लद्दाख डाल दे। कुछ नहीं मेरी तो बस 4 मिनट का सीक्वेंस ऑलमोस्ट डन है गाने का। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो मिरर हमारे पास गाड़ी में रह गया। अगर यहाँ से गाड़ी की तरफ जाते हैं ना तो 1 घंटा ख़राब हो जाएगा क्योंकि गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। तो शूट का यहाँ होता है एंड, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है -1 degree और 0 और उसके बीच में फ्लक्चुएट होता जा रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हम गुड़गांव के लिए निखिल को ड्रॉप करेंगे दिल्ली। शूट गया ऑसम, मस्त मस्त शॉट्स निकाले एंड अच्छी स्टोरी क्रिएट करने में हम कामयाब हुए। बाकी हम एडिट पे देखेंगे जो जो मिस हुई हैं वो चीज़ें वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:30, 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गुड़गांव का। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, इस ब्लॉग का यहीं करते हैं एंड। आप बताना वीडियो देख के, जब मैं आई थिंक अभी एडिट कर दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल भी दूंगा वीडियो एडिट कैसी हुई है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करना दूसरे चैनल पे एंड बताना कैसी लगी है। बाय।